साथियों, आत्मनिर्भर भारत में ब्लू इकोनॉमी की हिस्सेदारी को मजबूत करने के लिए समुद्र से जुड़े लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना बहुत जरूरत है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पर लॉजिस्टिक्स पर होने वाले खर्च का प्रभाव ज्यादा है, यानी सामान को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने पर दूसरे देशों की अपेक्षा हमारे देश में आज भी खर्च ज्यादा होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट से कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स उसको बहुत कम किया जा सकता है। इसलिए हमारा फोकस एक ऐसे इकोसिस्टम को बनाने का है जहां कार्गो की सीमलेस मूवमेंट सुनिश्चित हो सके। आज एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बेहतर मैरिटाइम लॉजिस्टिक के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पर भी हम काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं। साथियों, लॉजिस्टिक्स पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए अब देश मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की दिशा में एक बहुत ही होलिस्टिक व्यू के साथ और दीर्घकालीन सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। कोशिश यह है कि रोड, रेल, एयर और शिपिंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की आपस में कनेक्टिविटी भी बेहतर हो और उसमें जो साइलोज आते हैं उनको भी दूर किया जा सके। देश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण भी किया जा रहा है और देश के भीतर ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसी देशों के साथ भी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के विकास के लिए मिलकर काम हो रहा है। मुझे विश्वास है कि इन तमाम प्रयासों से हम अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को बहुत कम कर पाने में सफल हो जाएंगे। लॉजिस्टिक्स की कीमत को काबू में रखने के लिए हो जो प्रयत्न हो रहे हैं, इन्हीं प्रयासों से अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।